हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेके आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आप समझ गए होंगे कि वीडियो किसके ऊपर होने वाली है, हमारे शिखर धवन भैया के ऊपर, जिसके साथ मैं अपने रणजी ट्रॉफी मैचेस खेला हूँ काफ़ी सारे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि शिखर धवन भैया किस तरीके से रहते थे, उनका खेलने का क्या तरीका था, उनका ड्रेसिंग रूम में वो किस तरीके से रहते थे, फील्ड में किस तरीके से वो मजाक करते थे या बातें करते थे अपने सीनियर से, अपने जूनियर से। तो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो भाई, आपको पता ही है, हमेशा मेरे साथ वीडियोज़ में हमेशा शिखर रहता है। शिखर धवन नहीं, शिखर हमारा दोस्त। वो आज कैमरे के आगे नहीं है, वो कैमरे के पीछे, और वो कुछ सवाल लेके आए मेरे पास शिखर धवन भैया के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मनोज भाई, पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो है ये कि शिखर भैया से आप पहली बार लाइफ में कब मिले थे? यार, मैं शिखर धवन भैया से पहली बार रणजी ट्रॉफी कैंप में ही मिला था। मैं अंडर 19 खेल के आया था और मेरा नाम आ गया था रणजी ट्रॉफी कैंप में। तो मैं उनको बॉल डाली, मैंने सबसे पहले मैंने उन्हीं को बॉल डाली, वो ही बैटिंग करने आए थे। तो मैंने उनको बॉल डाला, तो जैसे मैं छोटा था तो मैं अपनी स्लो बॉल फेंकता था अंडर 19 के बच्चों के हिसाब से। वो खेल रहे थे कि बॉल तेज आएगा, जैसे बड़े लड़के बॉल डालते हैं, सीनियर बॉल डालते हैं, तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी मेरी बॉल खेलने में। बट धीरे धीरे टाइम के साथ वो सेटल हो गए। तो फिर वो नेट में, जब हमारा नेट ख़त्म हुआ, उसके बाद मुझसे मिले बहुत अच्छे से। एक यंग प्लेयर के पास एक इंडिया प्लेयर बात करने आ रहा, बहुत बड़ी बात है यार। उनका नेचर था, वो किसी भी छोटे से बड़े से एक जैसे ही मिलते थे, एक तरीके से बात करते थे। तो मेरे से बात करने आए कि छोटू वेल बोल्ड, ऐसे ही बस थोड़ा सा तेज़ डाला कर, विकेट देखा कर, विकेट किस हिसाब का, उस हिसाब से बॉल डाला कर। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उस एज के हिसाब से। तो मनोज भाई, ये बात होगी आपकी पहली बार मिलने की। तो यार, जब आप लोग ग्राउंड में होते थे, फील्ड पे होते थे, जैसे कि हम लोग अभी देखते थे कि शिखर भैया जब खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, तो शिखर कुछ भी मैच की सिचुएशन हो, कैसी भी, हमेशा शिखर भैया हमेशा काम रहते थे। तो रणजी ट्रॉफी में भी ऐसे रहते थे, ड्रेसिंग रूम में भी क्या ऐसे रहते थे? यार, वो ड्रेसिंग रूम में भी बिल्कुल कूल रहते थे, ग्राउंड में भी बिल्कुल कूल रहते थे। उनको कोई फिक्र नहीं है, जीतो हारो, जीरो पे आउट हो वो या 100 रन पे आउट हो, उनका नेचर हमेशा एक जैसा ही रहता था। एकदम शांत खुश रहते थे हमेशा। ड्रेसिंग रूम में भी माहौल बहुत अच्छा बना के रखते थे, बड़ों के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करते थे, छोटों के साथ प्यार के साथ रहते थे, बातें करते थे हमारे साथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि यार इस लेवल पे आपको अगर सस्टेन करना है या अच्छा करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा रणजी ट्रॉफी में, और इससे ऊपर लेवल पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा। वो सारा हमारा एक्सपीरियंस बताते थे हमको किस तरीके से आपको चलना है आगे। तो क्या शिखर भैया, कभी आप मैच के बाद आप लोग कभी बाहर घूमने गए हो? हाँ यार, बहुत गए हम रणजी ट्रॉफी जैसे मैच खेले थे। तो हम मैच जीतने के बाद एक कई जगह हम घूमने जाते थे, कभी आउटिंग, कभी होटल में चले गए खाना खाने। तो एक बार हम एक होटल में खाना खाने गए थे, सारी पूरी टीम गई थी हमारी मैच खेलने के बाद। तो वहाँ पे वैसे ही हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था, तो सब लड़के आराम से खा रहे थे, सोच रहे थे आराम से बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे। हम भी छोटे थे तो सीनियर को देख के हम बैठे हुए थे एक जगह पे, बट शिखर धवन भी एकदम से खड़े हुए, कह रहे आवाज़ तेज करो, गाना तेज चलाओ, और डांस करने लगे वहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे सब लोग और बच्चे भी आ गए, सारे बड़े सीनियर भी आ गए, डांस करने लगे। तो खुश मिजाज बंदे यार, वो शुरू से ही ना वो खुले रहे हैं, मतलब उनके कोई टेंशन नहीं रहती, उनके फेस पे कभी नहीं दिखेगा, हमेशा आपको हंसते हुए दिखेंगे। आउट होने के जा रहे होंगे ना, आउट होने के बाद भी तब भी वो स्माइल करते हुए जा रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग रील्स में देखते हैं कि भाई शिखर भैया रील्स डाल रहे हैं, हंसी मजाक वाली, नाचने गाने वाली, मतलब रियल लाइफ में भी शिखर भैया बिल्कुल वैसे ही है। वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे वो इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस डालते हैं ना, वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही, और आज से नहीं, वो शुरू से ही ऐसे हैं, हमेशा से वो ऐसे ही रहे हैं। मनोज भाई, जैसा कि हम सभी को पता है कि आप रणजी ट्रॉफी खेले थे एज अ बॉलर, जो कि आप ऑफ स्पिनर हो, लेकिन कभी आपने क्या शिखर भैया के बैटिंग करी है क्या यार? हाँ यार, एक मैच में क्या हुआ, 4-day मैच होता है रणजी ट्रॉफी का, तो 2 ओवर बचे थे, बैट्समैन आउट हो चुका था, तो मुझे पैड करा रखे थे हमारे कोच ने, तो मेरे को बैटिंग पे भेज दिया। सिर्फ 2 ओवर बचे थे और शिखर भैया बैटिंग कर रहे थे, तो मैं नाइट वॉचमैन गया था, एज ए नाइट वॉचमैन, तो मैं बैटिंग करी, 2 ओवर मैंने निकाल दिए। फिर हम बैटिंग करके अगले दिन फिर मेरी बैटिंग आई मॉर्निंग में, तो शिखर भैया कह रहे थे बस तू कूल होके खेलता रहे छोटू, छोटू कहते थे वो मुझे, आराम से खेलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बॉल आए तो मार दियो, वरना अपने डॉट करता रहे, सिंगल लेता रहे। तो बहुत आराम से उन्होंने प्यार से मेरे साथ बातें करी बैटिंग करते टाइम। मैंने भी 30-32 बॉलें खेली जब तक मैं उनके साथ रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार मेरा खेलने का उनके साथ। जैसे वीडियो भैया हैं कि उनका बताते हैं यार वो गाने गाते हैं जब विकेट के बीच में वो बैटिंग कर रहे होते हैं, तो शिखर भैया का भी ऐसा कुछ है कि क्या वो क्या करते हैं? शिखर भैया ना बातें ज़्यादा करते हैं, हंसी मजाक करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे अलग अलग तरह की, किसी की आपको पता नहीं लगेगा, अब यहाँ बैटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं वो कहीं और की, जिससे उनका माइंड डाइवर्ट होता रहे, और ना थोड़ा मतलब ऐसे रहेगी ना यार, टेंशन ना हो ग्राउंड में ना, फील्ड में टेंशन ना हो बैटिंग कर। कई लोग क्या होते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं,
है ना, बहुत प्रेशर लेने लगते हैं, बट वो कूल रहते हैं, अपने बातें कर, हंसी मजाक चुटकुले सुनाते रहेंगे आपको बैटिंग करते टाइम, तो बहुत अच्छा रहता है उनके साथ। तो यार एक चीज पूछनी है, एक ना विराट भैया का एक ऐसी वीडियो थी, उसमें वो बता रहे थे कि शिखर भैया स्लिप पे खड़े होके ऐसे चिल्लाते हैं कि सुअर के बच्चों, क्या वो इंसिडेंट जो हुआ था जब आप खेले थे उसी टाइम की बात है ये? नहीं नहीं, ये पहले की बात है, मैं उस वक्त मैं टीम में नहीं था, बट ये मेरे को भी बताया गया है, विराट कोहली भैया स्लिप पे थे और शिखर धवन भैया वहीं पे थे पास में, और मैच बहुत बोरिंग चल रहा था, विकेट नहीं गिर रही थी, तो एकदम से बीच में शांति थी बहुत ग्राउंड के, रणजी ट्रॉफी मैच में पब्लिक ज़्यादा होती नहीं है तो आवाज़ ज़्यादा तेज आती है, तो एकदम से वो बॉल फटे सुअर के बच्चों, तो वहाँ से ना, और विराट कोहली भी स्लिप पे खड़े थे, उन्होंने इंटरव्यू में बताया था वो गिर गए स्लिप पे ही, हंसी में इतनी हंसी आ गई उनके बोलने से, तो वो एक्सपीरियंस वो ऐसे ही करते हैं ग्राउंड में ना, बहुत लाइट रहते हैं। और शिखर भैया का नाम भी वहीं से बताते हैं कि जब उन्होंने ये बोला कि गब्बर जो नाम पड़ा वो यहीं से पड़ा था, उसी इंसिडेंट से पड़ा था उनका नाम गब्बर। तो मनोज भाई जैसे कि अभी आप लास्ट ईयर आईपीएल नेट बॉलिंग के लिए गए थे, तो आप शिखर भैया से मिले थे, जैसे कि हम लोगों ने आपकी इंस्टा वीडियो पे यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी देखा था, तो यार बोलते हैं ऐसे बड़े आदमी बनने के बाद भूल जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपको लगा कि शिखर भैया पहले अलग थे या फिर अब अलग हो गए? नहीं यार बिल्कुल, मतलब 10 साल बाद मिला हूँ मैं उनसे, 2013-14 में मिला था और अब 2023 में मिला हूँ, कोई चेंज नहीं है, बल्कि उन्होंने मेरे को ऐसे मिले मुझसे जैसे अब थोड़े दिन पहले ही मिले, बिल्कुल आराम से पोलाइटली आपकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रहे हो आप, ऐसे मिलते थे एक बड़ा भाई होता है, तो बहुत ही केयरिंग नेचर है उनका यार, बहुत ही डाउन टू अर्थ है बिल्कुल वो बंदा ना यार, ऐसे बंदे होने चाहिए यार, उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी कोई घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मैं आपको वीडियो इसमें मैं आप डाल देता हूँ, वो वीडियो के ना शॉर्ट थोड़ा सा डाल दूंगा, आप देखिए जरा। क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया सर, ठीक है, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, क्या बात करें, हमने सुना भी है कि वो पूछ रहे हैं आपसे क्या चल रहा है, कहाँ कोचिंग करा रहे हो, क्या चल रहा है, हमने सुना था यार। तो यार अब इतनी सारी मैंने बातें करी है, शिखर भैया जो है अब इंटरनेशनल क्रिकेट से, डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है उन लोगों ने, तो मनोज भैया यार ये हमारी हमने जो बात करी है शिखर भैया के बारे में, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले शिखर भैया ने अपना अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से भी और डोमेस्टिक से भी, तो कैसा फील हो रहा है यार? यार बहुत दुख की बात है, वो अभी भी क्रिकेट खेल सकते थे, वो 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, इंडियन टीम से बाहर हैं, बट उनमें क्रिकेट बहुत बची हुई थी यार, कई प्लेयर ऐसे भी इंडियन टीम में जो परफॉर्म करके भी नहीं कर पा रहे हैं फिर भी टीम में। एग्जैक्टली भी यहाँ पे रुकूंगा मैं आपको, किसी को ये नहीं पता कि शिखर भैया बाहर क्यों है सच में, और जब वो बाहर हुए हैं उससे एक सीरीज पहले वो कैप्टन थे श्रीलंका जी, और आते ही वो टीम से ड्रॉप हो गए, तो यार ये बात किसी को भी समझ नहीं है आज तक कि ऐसा क्यों हुआ, बट यार वो अभी भी रिटायर हुए हैं, वो अभी 2-3 साल और खेल सकते थे, वो आईपीएल में रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं जी, जिस भी टीम से वो खेल रहे हैं, तो यार बहुत दुख की बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक लेजेंड है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के यार, इतने रन बनाए, इतने मैच जिताए उन्होंने, चैंपियंस ट्रॉफी में 2-2 बार उनको मैन ऑफ द सीरीज मिली है, वर्ल्ड कप में उन्होंने ऐसी ऐसी इनिंग खेली है, सेंचुरीज बनाई है, खासतौर पर भी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, यार ऐसे बहुत टीमें हैं जहाँ उन्होंने परफॉर्म किया इंडिया के लिए, तो यार ये बीसीसीआई को देखना चाहिए, आपका लेजेंड है यार, उसको अगर आप रिटायरमेंट एक मैच मिल जाए तो यार कितनी बड़ी बात हो जाती है ना, जिसके लिए पूरी लाइफ देते हैं इंसान की, अगर उनको रिटायरमेंट मैच मिलता हाँ। तो बहुत बहुत ये खुशी की बात होती है ना मनोज भाई? सही बात है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो यार, एक मैच सिर्फ एक मैच ही तो है जी, किसी टीम के अगेंस्ट भी आप खिला सकते हो उनको, जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी भी टूर पे आप खिला सकते हो एक मैच, तो ये सोचना पड़ेगा बीसीसीआई, जो भी उनके चाहते हैं, जो भी उनके चाहने वाले उनके फैंस हैं, उस आखिरी मैच को देखने के लिए वो आएंगे, उनके लिए चेयर करेंगे, तो वो जो यादें होती हैं वो शायद हम अपने दिमाग से भुला भी नहीं सकते हैं कभी, जैसे कि सचिन भैया ने, जब सचिन पाजी ने जो लेजेंड है सचिन तेंदुलकर ने जब रिटायरमेंट ली थी, तो देखा था कि पूरा स्टेडियम जो गूंज रहा था, पूरा मुंबई गूंज रहा था कि सचिन स्टेडियम में नहीं आ पाए थे, वो पूरे सारे लोग इंडिया के टीवी पे बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे, 5 दिन लोगों ने वो मैच देखा यार, तो ऐसे ही सबको रिटायरमेंट एक मैच मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, जो सबने सर्व कर रहा है इंडिया को, सबने कुछ ना कुछ इंडिया के लिए किया है, सबने किया है, अपनी पूरी लाइफ दी है इंडिया खेलने के लिए। तो मनोज भाई थैंक यू सो मच यार हमारे क्वेश्चन से कुछ शिखर भैया को लेके, थैंक यू सो मच आपने अपना टाइम निकाला और ये बातें करी, और भाइयों तक को भी हम लोगों ने ये बातें पहुंचाई कि आपने अपना टाइम शिखर भैया के साथ कैसा गुजारा यार। और मैं चाहता हूँ वो अभी जैसे रिटायर हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ वो आगे आके ना कोचिंग में भी है,
इंडियन टीम को जैसे उन्होंने अपने क्रिकेट से सर्व किया है खेल के, मैं चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस सब जितने कूल और वो काम रहते हैं ना वो कोचिंग में आएंगे तो और बेटर रहेगा। टीम के अंदर माहौल बहुत अच्छा रहेगा अगर वो कोचिंग में आएंगे, क्योंकि वो एकदम शांत रहते हैं, टीम में एकदम माहौल बना के रखेंगे बढ़िया सा। मैं चाहता हूँ कि वो कोचिंग में भी आएँ जल्द से जल्द। तो भाइयों ये थी हमारी वीडियो शिखर धवन भैया के ऊपर। तो भाइयों अब इस वीडियो को हम जल्दी से जल्दी यहीं पे ख़त्म करते हैं, कोशिश करेंगे हम जल्दी से आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आएँ। और आपसे बस यही कहना चाहूँगा हमारे चैनल को प्यार बनाए रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कोशिश करें यार ये वीडियो शिखर धवन भैया के पास तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।